अलावा जो और बातें हो रही हैं कि देखिए दो बच्चों का कानून आना चाहिए, आपको लगता है कि दो बच्चे होने चाहिए और जो बच्चे ज्यादा आप लोग कर रहे हैं उसमें कहते हैं कि देखिए अल्लाह के दिन बता देते हैं। मैं तो ये कहूंगा भाई, जिसमें जितनी जान है ज्यादा ज्यादा करो, जितना भी हो सके। तो मैं तो अपने बच्चे 10 से 12 करूंगा भाई, कम से कम इस 10 से 12 करूंगा। देश की आबादी बढ़ानी मेरे को, तो देश की आबादी बढ़ानी है जी मेरे को। देखो 10 से 12 करूंगा, मेरा टारगेट इतना है। क्यों बढ़ानी है? मैं दो पिन रुकना, क्यों दो पिन रुकना है? नहीं मेरे को नहीं, ये अल्लाह की देन है इसलिए बढ़ानी है। ये इसलिए बढ़ानी है कि आपको देश की आबादी बढ़ानी है। देखो सबसे पहली बात तो अल्लाह की देन है, उसके बाद थोड़ी कोशिश हम भी करेंगे अपनी साइड से। भगवान ने तो करी था, अपनी साइड से हम कोशिश करेंगे ना, जितना हो सके इतना करेंगे हम। मैं तो 10 से 12 करूंगा। इससे क्या फायदा होगा 10 बच्चे करने से? क्या फायदा? मुझे फायदा होगा ना। क्या फायदा होगा? मुझे बहुत फायदा होगा ना। अब मेरे 2 बच्चे ना काम निकल गए, 10 तो निकलेंगे ना, अच्छे 10 अच्छे निकलेंगे। अगर 2 के 2 खराब निकल गए बताओ आप फिर क्या करूंगा मैं? 8 बच्चे इसलिए करोगे कि वो, सपोज करो एग्जांपल, आप हिंदू हो, माइंड मत करना, आपके 2 बच्चे हैं और दोनों खराब निकल गए, क्या करोगे आप? फिर तीसरे कोशिश करोगे आप, सच बताना करोगे? अरे हमारा तो छोड़िए, हमारा छोड़िए, आप अपना बताओ। अब मेरा की बताया, आप तो बताओ तुम तीसरे को। नहीं, हमारा छोड़िए, वो अच्छे निकलेंगे खराब निकलेंगे ये तो जब वो 25-30 साल के हो जाएंगे तब पता लगेगा। ऐसे उस उम्र में बच्चे करोगे? पालने में पता लग जाता है बच्चे के पैर, देखो पालने में पता लग जाता है बच्चे के पैर। बच्चे करना कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, करो आज जितने हो सकते हैं, ठीक है? किसी के मांगने जा रहे हो, अपने रोटी रोजी खा रहे हैं, एक खा रहे हो, 2 खा रहे हो, अपनी खा रहे, ठीक है ना? वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। और ये जो महंगाई बढ़ रही है, फिर कहोगे कि बेरोजगारी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये सरकार से पूछो क्यों बढ़ा रही हो महंगाई? वो कुछ भी चीज बढ़ा खड़ी कर देती है सरकार से पूछो चीज। अब ऐसा कानून आ जाएगा, आप कह रहे हैं कि मैं 10 बच्चे करूंगा, तो सरकार ये कह रही है कि 10 बच्चे करो, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वोट डालने का अधिकार नहीं। इनकी सरकार थोड़ी रहेगी सारी उम्र, सरकार तो हमारी भी आएगी ना, इनकी सरकार थोड़ा रहेगी सारी उम्र के लिए, इनकी सरकार हमारी भी आएगी ना। कौन सी सरकार है? अच्छा हमें भी तो चांस मिलेगा ना, जो सरकार अच्छा काम करेगी इस देश के लिए, कोई भी XYZ, वो हमारे लिए सबसे अच्छी है। मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे होते हैं इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। भाई तुम भी बढ़ाओ ना, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तुम बढ़ाओ, तुम बढ़ा के दिखाओ ना मुझे, 2 के 3 के अलावा करके दिखाओ ना। आप भूखा तो नहीं मरता मुसलमान का बच्चा, बताओ अपना रोजगार करता है, चेव कबाड़ा चुरा लेकिन अपना अपना करेगा वो। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कहा है कि देश के अंदर टमाटर महंगाई इसलिए ज्यादा है कि मुसलमानों ने महंगाई बढ़ा रखी है। अच्छा मुसलमान ही हर चीज बढ़ा रहा है ना, मुसलमान या सरकार कौन बना रहा है? सरकार सिर्फ बीजेपी खुद बना रही है ना, सारी चीज मुसलमान बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ना। तो महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे हैं, उनकी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। चलो आपकी बात बहुत अच्छी है। अच्छा अगर मुसलमान के ज्यादा बच्चे हैं तो महंगाई मुसलमान पर टारगेट कर दो कि मुसलमान की वजह से बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा ये बताइए, एक जिक्र हो रहा है, एक फिल्म आ रही है 72 हूर, क्या होता है 72 हूर? बहुत लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अब तक पता नहीं लग पाया। बारे में अब तक सुना नहीं 72 हूर के बारे में, वरना मैं आपको पूरी डिटेल में बताता। कहते हैं कि देखिए जो जन्नत में जाएगा उसको 72 हूर मिलेंगी, वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी महिलाएं हैं वहाँ, उनकी हाइट अच्छी है, सुंदर है। इस चीज को हमारे बड़े बड़े कहते हैं और हम भी ये चीज बोलेंगे, 72 हूर मिलेगी, 72 हूर मिलेगी। सुना तो होगा, कभी सुना है, बट 72 हूर मिलेगी हमें। एक अपने बड़ों पे विश्वास है, हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि वो मिलेगी हमें। अच्छा देश के अंदर जो ये सियासत हो रही है हिंदू मुस्लिम की, जैसा आप लोग बताते हैं, कितना सुरक्षित है मुस्लिम बीजेपी के राज में? देखो मैं तो एक ही बात कहूंगा, बहुत ही कम है, ये तो आप ही देख रहे हो, मस्जिदों में झंडे भगवान लहरा जा रहे हैं, ठीक है? और मुसलमान कुछ नहीं बोला कुछ भी, अगर मुसलमान चप्पल लेके मंदिर में बढ़ गया ना तो मुसलमान की टांग काट देंगे लोग। और अभी आपने देखा हो मुंबई में भी मस्जिदों में वो भगवान झंडा लहरा जा रहे, मीनारों को तोड़ जा रहे, लेकिन मुसलमान तब नहीं बोला कुछ भी, क्योंकि ये संविधान के बारे में चल रहा है। कोई डर है आपके अंदर? डर सिर्फ अल्लाह का और किसी का नहीं है, सरकार का कोई डर नहीं है, कुछ किसी का कोई डर नहीं है जी। कल का मरता है आज मर जाओ, किसी का कोई डर नहीं है, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ और किसी से डरता मैं। ये कहते हैं कि 3 तलाक है तो मुसलमान 3-3, 4-4 शादियां कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं देश की, ऐसे तो देश की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। वही घूम फिर के वही बात आएगी ना भाई, अगर तुम्हारे अंदर लिमिट है, इतना जुनून है तो तुम 4 कर लो ना भाई, तुम हमारे से आगे बढ़ो ना, हमारे 3 पे तुम क्यों हो रहे हो, आप 4 करो, 5 करो, 6 करो, हम थोड़े रोक रहे हैं आपको। मुस्लिमों को क्या लग रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कैसी सरकार चल रही है भाई बीजेपी की? अब तक तो देखो बिल्कुल खत्म चल रही हो, तो आप मेरे से ज्यादा तो मीडिया वाले जानते हैं, मेरे से ज्यादा इस चीज को आप जानते हो। नहीं, आप लोग हमें बताते रहते, तो बताइए कि बीजेपी के अंदर मुसलमान कितना सुरक्षित है? दलित तो कह रहे हैं हम तो सुरक्षित नहीं है ही नहीं। क्यों? वो तो आप देख रहे हो ना सारी चीजों को, वो बताने की जरूरत ही नहीं है, इस चीज को तो आप देख रहे हो, है नहीं कहीं से कहीं तक के भी। कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, मुसलमान ने किसी के एक रापट मार देना तो मार दो, इनकाउंटर कर दो उसको, मार दो एकदम क्लियर मार देंगे उसको, चाहे वो XYZ कोई भी हो एकदम मार देंगे मुसलमान को। मुसलमान को तो टारगेट किया इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, हिंदू को वो दोनों को खींच रहे हैं ना, दोनों खींच रहे हैं, अनपढ़ इनकी सरकार है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जी गाड़ी चल रही रोड पे चलने दो। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की जो सियासत हो रही है, देखिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, आपको लगता है कि ये चीजें ठीक है? बिल्कुल गलत है जी, देखो ऐसे कैसे बन जाएगा तो बताओ आप, अब इसकी सरकार कुल 5 साल के, 5 साल में कुछ भी कर दिया क्या?